सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, रांची भारत का एक प्रमुख नगर और झारखंड प्रदेश की राजधानी है। यह झारखंड का तीसरा सबसे प्रसिद्ध शहर है। इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे रांची के बारे में जानकारी साझा करूंगा। तो अंत तक देखिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। और वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करिए और वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को प्रेस करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, पहले जब रांची बिहार राज्य का भाग था तब गर्मियों में अपने अपेक्षाकृत ठंडे मौसम के कारण प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। झारखंड आंदोलन के दौरान रांची इसका केंद्र हुआ करता था। रांची एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है जहां मुख्य रूप से HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण मेकॉन इत्यादि के कारखाने हैं। दोस्तों, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आपके शहर रांची को स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। इसके अलावा रांची शहर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का गृह नगर होने के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की राजधानी रांची में प्रकृति ने अपने सौंदर्य को खुलकर लुटाया है। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा रांची ने अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के दम पर विश्व के पर्यटक मानचित्र पर भी पुख्ता पहचान बनाई है। गोंदा हिल और रॉक गार्डन, मछली घर, बिरसा जैविक उद्यान, टैगोर हिल, मैक्लुस्कीगंज और आदिवासी संग्रहालय इसके प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। इन पर्यटक स्थलों की सैर करने के अलावा यहाँ पर प्रकृति की बहुमूल्य देन झरनों के पास बेहतरीन पिकनिक भी मना सकते हैं। रांची के झरनों में पंचघाग झरना सबसे खूबसूरत है क्योंकि यह 5 धाराओं से गिरता है। यह झरने और पर्यटक स्थल मिलकर रांची को पर्यटन का स्वर्ग बनाते हैं और पर्यटक शानदार छुट्टियां बिताने के लिए हर वर्ष यहां आते हैं। रांची की नगर पालिका क्षेत्र 652.02 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 651 मीटर है। रांची छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है जो देक्कन पठार का पूर्वी भाग है। गर्मी में यहाँ के तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री तक, सर्दियों के तापमान 0 डिग्री से 25 डिग्री तक हो सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार रांची नगर पालिका की जनसंख्या 11,26,741 है। यह भारत में 46वां सबसे बड़ा शहरी शहर बना रही है। जनसंख्या का 51.3% पुरुष और 48.7% महिलाएं हैं। रांची शहर में औसत साक्षरता दर 87.68% है। मार्गों की बात की जाए तो वायु मार्ग में रांची की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट IXR से कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर से सीधी उड़ानें हैं। इसके साथ ही रांची रेलवे स्टेशन अच्छी तरह से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अन्य प्रमुख शहरों से सीधे ट्रेनों से जुड़ा हुआ है। जहां तक बात है सड़क मार्गों की तो राष्ट्रीय राजमार्ग 23 और 33 द्वारा बसों और निजी वाहनों द्वारा आसानी से रांची तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, गोंदा हिल हो या रॉक गार्डन, मछली घर हो या मोटा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, टैगोर पहाड़ी हो या मैक्लुस्कीगंज,
रांची के इन सभी पर्यटक स्थलों पर पूरे साल पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। रांची के जलप्रपातों में दशम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात और हिरनी जलप्रपात जैसे जगहों पर घूमकर आप पिकनिक मना सकते हैं। रांची में अनेक प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान हैं, जिनमें कि रांची विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, सेंट जेवियर्स महाविद्यालय, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, रांची कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, निर्मला कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, योगदा सत्संग कॉलेज, उर्सुलाइन अंतर कॉलेज, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस शामिल है। मनोरंजन के लिए रांची शहर में कई सारे सिनेमा हॉल मौजूद हैं, जिनमें कि हाईलेक्स मल्टीप्लेक्स हीनू, सुजाता सिनेमा मेन रोड रांची, मीनाक्षी सिनेमा रातू रोड रांची, लाजा सिनेमा थरपकना ओल्ड एसबी रोड रांची, सैनिक सिनेमा मोरावादी रांची, संध्या सिनेमा पुरुलिया रोड रांची और फन सिनेमा जैसे सिनेमा हॉल्स काफी मशहूर हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।